प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको रियल स्टेट में ट्रेनिंग और एक्सपर्ट एडवाइस देने का काम करता है। जो आज का टॉपिक है वो ना रियल स्टेट का है ना बेस्ट एडवाइस का है, ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी करें, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी का, मेरे पास जो शेयर था, शेयर करने वाली बात थी, वो शेयर कर रहा हूँ। मैंने लिखा हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई बैंक एग्ज़ाम, मैंने बैंक एग्ज़ाम की कैसे तैयारी की और किस तरीके से हमने क्वालिफाई किया, तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी बहुत जल्दी इस तरीके का कोई एग्ज़ाम यदि दे रहे हो तो बहुत जल्द उसको क्रैक कर सको। मैंने ये लिखा है कि इसमें 4 पोर्शन होते थे, टोटल क्वेश्चन 200 और 95 मिनट्स का जो बैंक का एग्ज़ाम होता था हमारा। तो मिसेज आर के सोखल पटियाला की एक लेडी थी, उन्होंने किताब लिखी थी बैंकिंग एग्ज़ाम के ऊपर कि बैंक में एग्ज़ाम में आप किस तरीके से सफलता पा सकते हैं। तो वो किताब बहुत बढ़िया किताब थी, इंग्लिश मीडियम में थी, तो हमने वो किताब ली और किताब को बेस मान के ये उसकी तैयारी शुरू की। तो उसमें जो बताया गया था, जो सैंपल पेपर थे वो ऐसे होते थे, मतलब उसमें 4 पोर्शन, टोटल क्वेश्चन थे 200 और 95 मिनट। तो हमने क्या किया, उसको जब हमने तैयारी शुरू करी तो 4 पोर्शन इंग्लिश न्यूमेरिकल या मैथमेटिक्स रीजनिंग, क्लेरिकल में क्लेरिकल था, और जो पीओ का तैयारी करते थे प्रोबेशनरी ऑफिसर का, उनके लिए जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का पेपर होता था। तो सिंपल बात है, 200 क्वेश्चन है, 4 पोर्शन है, तो इसका मतलब हमने 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ करने हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और 50 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, 95 मिनट्स हैं। यदि 95 मिनट्स को हम कर लें तो 23 मिनट 45 सेकंड हमें यहाँ मिलेंगे, 23 मिनट 45 सेकंड यहाँ मिलेंगे, 23 मिनट 45 सेकंड यहीं मिलेंगे, 23 मिनट और 45 सेकंड यहाँ मिलेंगे। तो हमने कैसे क्वालिफाई किया और जो लोग नहीं कर पाते वो क्या गलती करते हैं, वही आपके साथ शेयर करने का मेरा मन है। क्योंकि मैं उन दिनों में ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई थी, ग्रेजुएशन की मतलब तैयारी कर रहा था, तब मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि हमने लोगों को, अपने दोस्तों को जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे थे और जो बैंक में तैयारी कर रहे थे, बैंक में जाने की तैयारी कर रहे थे, उनको चिट्ठियाँ लिख दी थी मैंने, अपना रोल नंबर लिख के, कि ये मेरा रोल नंबर है, ये अखबार में आएगा ही आएगा। ये 1985 की बात है, हम 1984-1985 की तैयारी कर रहे थे, और 1986 में ये मैंने दावा करा था कि मैं 1986 में बैंक में जॉब करता हूँगा हर हालत में। तो 11 अगस्त 1986 मेरी जो अपॉइंटमेंट है बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हो गई थी, और मेरी जो पहली पोस्टिंग है, पहले अमृतसर, अमृतसर से साथ ही साथ लुधियाना में होगी, लुधियाना के बाद फिर मैं चंडीगढ़ में आ गया, यहाँ गाँव सुहाना है। तो मैंने क्वालिफाई कैसे करा उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। ये 50 क्वेश्चन थे, ये 50 क्वेश्चन हमने, मैंने मिनट भी बांट दिए इसमें भी, इतने इतने मिनट एक के लिए थे। जो मेरे साथी हैं, एस्टीम्ड साथी हैं, रिस्पेक्टेड साथी हैं, वो क्या करते थे, मेरी इंग्लिश अच्छी थी, किसी का मैथ अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा है, उन्होंने मैथमेटिक्स में 50 के 50 सवाल ही हल कर देने हैं, करने तो बहुत स्पीड से होते थे। तो वो क्या होता था, ये 23 मिनट 45 सेकंड की बजाय में कई बार 30 मिनट तक ले जाते थे वो। तो इसका मतलब ये हो गया 6 मिनट और 15 सेकंड इस पोर्शन का वो खा गए। हम क्या करते थे, जब हम तैयारी करते थे, मैं और मेरा साथी हरदेव सिंह, हम रूममेट थे और ऑलरेडी टेलीफोन एक्सचेंज में काम कर रहे थे, दोनों क्लीग थे हम। तो हम तैयारी करते थे, रात को जब बैठते थे, आर के सुखल की किताब लेके बैठना, उसमें स्पेसिमन निकालना और घड़ी रख के साथ में इंग्लिश के क्वालिफाई करके देखना हम कितने कर सकते हैं, कितने हमारे गलत होते हैं, और फिर मैथमेटिक्स से निकालना मैथमेटिक्स के कितने होते हैं, कितने हम ठीक करते हैं, कितने गलत करते हैं, रीजनिंग के करना, फिर क्लेरिकल एप्टीट्यूड के करना या जनरल अवेयरनेस के करना। तो जब हम ये कर लेते थे तो हमें पता लग जाता था कि हम कहाँ खड़े हैं। मतलब कई पहले पहले जब हम तैयारी करी तो हमसे 20 क्वेश्चन भी नहीं होते थे,
जब हम पहली बार तैयारी करते थे करनी शुरू करी, वो धीरे धीरे हमें स्किल आता गया। एप्टीट्यूड का मतलब स्किल है, उसको पेपर को सॉल्व करने का, एफिशिएंटली सॉल्व करने का स्किल आता गया और हमारी स्पीड बढ़ती चली गई। स्पीड बढ़ी तो यह स्पीड में मतलब हम जो 23 मिनट होते थे 23 मिनट में हमने पहले 20-25 क्वेश्चन फिर 30-35 क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। मतलब ये कम से कम 35 क्वेश्चन यदि कर लेते थे आदमी एक एक पोर्शन में और क्लब करके, वो मेरिट में आना जरूरी होता था। अब प्रॉब्लम यह है मैथमेटिक्स वाले ने मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन कर दिए लेकिन इसमें पूरे नहीं कर सका। वो हर पोर्शन अलग तरीके से क्वालिफाई करना जरूरी है, अलग अलग तरीके अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी था और फिर सारों की मेरिट बन के मेरिट में आना जरूरी था। तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी पास करना पड़ेगा हमें, ये भी क्वालिफाई करना, ये भी क्वालिफाई करना, ये भी, ये भी। अब जिसको 50 क्वेश्चन आते वो तो समझ रहा है कि मैं तो मैथमेटिक्स में मैंने झंडे कर दिए। तो दिक्कत कहाँ आती थी कि वो मैथमेटिक्स को में ज़्यादा जोर लगाने की बजाय इसमें कमज़ोर पड़ जाता था या इसमें कमज़ोर। हमने पूरे पोर्शन चाहे क्वेश्चन कम हो चाहे ज़्यादा हो, जब भाई मैंने 22 मिनट का अपना पैरामीटर रखा होता, जब 22 मिनट हो गए तो ये पोर्शन बंद कर देना, उसके बाद फिर आगे। तो मैंने 22 मिनट में जो 30-32 क्वेश्चन मैं कर सकता था वो करे, मैं अपने एग्ज़ाम में करे, मैंने जो प्रैक्टिकल जो मैं एग्ज़ाम दिया तब मैंने ये किए, इनको सॉल्व किया। तो जब मेरे को 22 मिनट से ज़्यादा नहीं मैंने दिए, मैं इंग्लिश मेरी अच्छी थी तो इंग्लिश में 22 मिनट में मैं काफ़ी क्वेश्चन कर गया, 30-35-35-40 कर गया होगा, पता नहीं अब ये ध्यान नहीं है मेरे को। तो मैंने ये करके ये जो दो दो मिनट बचाए, तो जो मेरे को सबसे मुश्किल पोर्शन था या जिसमें मेरी प्रोफिशिएंसी कम थी, मतलब उसमें एफिशिएंसी कम थी, तो वो जो 6 मिनट थे हमने मैंने उस पर लगाए और फिर मेरे को क्लियर हो गया कि अब मेरा ये एग्ज़ाम है, कोई फेल नहीं हो सकता, मैं इसमें से मैं पास ही होऊंगा। तो फिर जब मैं अपने दोस्त के घर आया, हरनेक सिंह के घर गया था, मंडी गोविंदपुर में रहता है हम लोग के पास, तो उसके घर गया तो उसको मैंने रात को बताया कि मेरा ये रोल नंबर है और अखबार में आना ही आना है। बल्कि उसने कहा भी, क्या ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है, बंदे कितने अपीयर होते, 125,000 पोस्ट हैं, 700, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं हो, वहाँ पर PhD आए होंगे कुछ। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैंने कहा मेरा ये इसको पेपर को सॉल्व करने का तरीका ही उनसे अलग है। मैं हर एक पोर्शन के साथ मतलब इंसाफ किया मैंने, तो इंसाफ करने के बाद चारों पोर्शन मेरे क्वालिफाई हो गए, फिर क्लब करके मैं मेरिट में आ गया। आपने इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग क्या है कि आपको दो फ्रूट बताए जाते हैं और दो में से एक फ्रूट दिखाया जाता है। सपोज दो फ्रूटों के नाम, जैसे एक का नाशपाती है दूसरे का सेब है, और यदि आपको सेब दिखाया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा फल है, यदि ने आपने सेब कह दिया तो आपका नंबर लग जाएगा एक नंबर, और यदि आपने उसको नाशपाती बोल दिया तो आपके दो नंबर कटते हैं। क्यों कटते हैं? क्योंकि एग्जामिनर यह समझ आता है कि आपको ना सेब के बारे में पता है और ना ही नाशपाती के बारे में पता है, मतलब आप इग्नोरेंट हो। तो इग्नोरेंट को इतनी बड़ी सैलरी के ऊपर कौन रखेगा आदमी? सो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और जो बैंक का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी बात है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहाँ से आती है फिर? एफिशिएंसी CNC, चलो स्पेलिंग देख लेना, ये स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ठीक है जी। यदि आपके पास स्पीड होगी और एक्यूरेसी होगी तभी जाके एफिशिएंसी आपके पास आएगी। एफिशिएंट बंदे को हर बंदा लेने के लिए तैयार है। मेरे साथ भी कोई बंदा काम करना चाहे और वो एफिशिएंट हो तो मैं 100% उसको ले लूँगा, पैसे भी ज़्यादा दे देंगे। और यदि डल आदमी हो तो उसको कोई आदमी लाइबिलिटी कोई नहीं पालना चाहता, क्योंकि एफिशिएंट आदमी आपके लिए एसेट बनता है और डल आदमी जो होता है वो आपके लिए लाइबिलिटी बनता है। सो एफिशिएंसी जो है वो स्पीड और एक्यूरेसी से आती है। यदि आपने स्पीड तो आपकी 200 किलोमीटर होगी, ये सारे के सारे सवाल हल कर दिए तो ठीक है, लेकिन इसमें यदि अपने एक्यूरेसी ना हुई, आपने गलतियां कर दी, तो आपको जो नेगेटिव मार्किंग है वो सारे के सारे पोर्शन आपको नीचे ले जाएगी, आपको मेरिट में नहीं आएगी। और यदि आपके पास एक्यूरेसी तो है
लेकिन स्पीड नहीं है तो फिर कोई पोर्शन छूट जाएगा। जैसे मैंने ये इसका बताया था कि ये आदमी ने 50 मिनट के ऊपर ही 30 मिनट लगा दिए, तो कोई पोर्शन फिर वो आपसे अलग अलग पोर्शन है जो क्वालिफाई नहीं होगा। जब वो क्वालिफाई नहीं होगा तो आप फिर भी मेरिट में नहीं आ सकते, क्योंकि चारों पोर्शन अलग अलग क्वालिफाई करने जरूरी है, प्लस इनको क्लब करके फिर मेरिट में आना जरूरी है। उसके बाद जो होता है कोई ऐसे का लेटर स्टोरी जो भी आपके जो कंप्रीहेंसिव कहते हैं वो बाद में होता है, उसकी बाद की बात है। लेकिन ये जो मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में होता है ना ये एग्ज़ाम, तो ये क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है आपको। तो ये इस बात का आपने ध्यान रखना है, सीखते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। इस तरीके का यदि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो आपको जो जिसको आप क्वालिफाई ना कर सको, लेकिन आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ। पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे हम। मिलता हूँ जल्दी, आपका दोस्त आपका होस्ट राजवंत सिंह महाली।